आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बता दें कि बागी बलिया के लाल बेलखा रोड तहसील क्षेत्र बोहरावां खुर्द निवासी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबीर अहमद बिद्रोही के बड़े पुत्र तेज तरार आईएएस कोच समीर सिद्दीकी अपने गृह जनपद बलिया पहुंचते ही न्यूज 9 भारत चैनल पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में आईएएस कोच समीर सिद्दीकी से बातचीत करते हुए न्यूज 9 भारत के संवाददाता मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के बोहरवा खुर्द ग्राम सभा में, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नागपुर से चलकर के आए हैं, और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये देश के एक ऐसे युवा पीढ़ी है जो देश की शिक्षा को और देश की जो है देश में अन्य चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इनका नाम है समीर साहब, जो आईएएस कोच भी हैं। सीधे ले चलते हैं इनके पास और इनसे हम बातचीत करेंगे और अपनी इनकी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो है आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपसे आज मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। न्यूज 9 भारत चैनल से मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, तो आप अपना पूरा परिचय दें और बताएं। मेरा नाम समीर अहमद सिद्दीकी है, मैं फिलहाल न्यू दिल्ली में आईएएस कोच हूँ, और आने वाले जमाने के अखबार से पढ़ाई और व्यवसाय को कैसे अडेप्ट करें इसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन है अकेडमी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंसेस lips.org, जिसका 19+ कंट्रीज में स्टूडेंट्स, और ये बोहरवा खुद मेरे दादा का गांव है, तो मैं यहाँ आया हुआ था जहाँ आपसे मिला था। सबसे बड़ा तो मेरा एक सवाल आपसे और है, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप बागी बलिया की धरती से आते हैं, आपके दादा की ये जो है कि जगह है और आपकी भी ये जगह मानी जाएगी, क्योंकि दादा की जगह अपनी जगह मानी जाती है, तो आप बागी बलिया के लाल हैं और बागी बलिया के साथ साथ आप बलिया का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और आप देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रह करके, दिल्ली में रह करके आप बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो शिक्षा एक समान पर आपकी राय क्या होगी? शिक्षा एक समान को किसने देखिए, शिक्षा एक समान ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम अपने गांव के स्कूलों में बच्चों से रटवा रहे हैं, ऐसा तो शहरों के स्कूल में भी होता है कि हम किताबें रटवाते हैं, जितना किताबों से यहाँ चिपक जाए उतना पेपर में हम उल्टी कराते हैं, और जिसने जितनी अच्छी उल्टी ली उसको उतने नंबर मिलते हैं। हम ही भी इसी तरह पास हुए थे, सब बच्चे इसी तरह पास हुए, लेकिन दुनिया में 15 ऐसी कंपनीज हैं, गूगल है, एप्पल है, पेंगुइन है, फेसबुक है, टेस्ला है, ये बड़ी कंपनियां हैं जो डिग्री नहीं ले रहे, वो डिग्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो कह रही है डिग्री रट कर आई हुई चीज है, और ये रटी हुई जानकारी गूगल पर, विकिपीडिया पर, अमेजन पर फ्री है। वो कहते हैं कि ये फ्री जानकारी अगर आपने याद कर ली है तो आपको नौकरी क्यों दें, हम इन गूगल वूगल को नौकरी क्यों ना देते, मशीनों को नौकरी क्यों ना दे। इसका एक एग्जाम्पल है, 3,500 की एक मशीन आती है, उसे हम कहते हैं 3,500 की, 3,500 की मशीन आती है अमेजन की, उसे कर दीजिए, उससे पूछिए गांधी जी कब पैदा हुआ, कहती है 2 अक्टूबर 1869, गांधी जी साउथ अफ्रीका की जमीन पर जब गए तो उनकी क्या उम्र थी, कहती है 24 साल, फिर कहिए कि बेलथरा रोड से दिल्ली की अगली ट्रेन कब है, तो बताती है अगले 6 घंटों में, उसका वेटिंग लिस्ट क्या चल रहा है वो तक बताती है। इस मशीन से नॉलेज के मुकाबले में आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि क्या तुम ऐसे सवाल का जवाब दे सकते हो जो गूगल पर नहीं है, तो यूपीएससी में आजकल ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब गूगल से नहीं मिलता, एलेक्सा से नहीं मिलता, ऐसे सवालों को वो पूछे। जैसे मशीन गांधी जी के बारे में हर चीज बता सकती है, लेकिन जैसे ये पूछो कि गांधी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, अब मशीन नहीं बता पाती, क्यों? इसमें सोच लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, इमेजिनेशन लगता है, इसमें तसव्वुर लगता है, फहम लगता है। कस्तूरबा की तरह जिसने गांधी जी के साथ जीवन व्यतीत किया हो वही ये बता सकता है कि आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो वो सेकेंड रैंक आया था यूपीएससी में, उसने कहा गांधी आज जिंदा होते तो इंडिया में सीएए के लिए मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे होते,
तब उनको देश से निकाल देते तो पाकिस्तान जाते पर वहां चुप ना बैठते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ते तो वो निकाल देते। तो गांधी जी को हम अमेंडेड सीएए में इंडिया में वापस लेते। सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए वो लॉयर नहीं करते क्योंकि गांधी जी खुद ही लॉयर थे और गांधी जी बनिया थे तो जीएसटी और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ डांडी मार्च करते। गांधी जी का यूट्यूब होता, फेसबुक होता और ट्विटर पे उनके अपने फॉलोअर बराक ओबामा होते। इस तरह की इमेजिनेशन, इस तरह का सोच, ये मशीनों के बस की बात नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली शहरों में और गांव में जो हम रटने वाली एजुकेशन अभी भी लिए हुए हैं, मशीनें इसे बेतहाशा रिप्लेस कर रही है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छे अच्छे परसेंटेज लाए हुए बच्चों को नौकरियां नहीं। अब सवाल इस तरह से नहीं आते कि पहले पानीपत की लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, तीसरी लड़ाई कब हुई। अब सवाल ऐसे आते हैं कि पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों? ये तो एक पहलू है जिस हिसाब से हमको पढ़ाई करना चाहिए, यानी हमें पढ़े हुए पर बैठकर सोचना चाहिए, इस पर दिमाग लगाना चाहिए। ये यहां पर ऐसा है तो वहां पर कैसा होता, वहां पर ऐसा है तो वहां पर कैसा होता। लेकिन व्यवसाय भी बदल गया, व्यवसाय भी बदल गया। जैसे एक एग्जांपल ये कहेगा कि कल से बेकरी मत जाए, तो वो पुराने जमाने में ऐसा होता कि उसकी रातों की नींद चली जाती, वो बड़ा उदास हो जाता क्योंकि बेकरी के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं। लेकिन नए जमाने में उसे ये पता है, वो गूगल पे जाकर देखता है कि मुझे जो बीमारी हुई है वो कितने लोगों को हुई। तो गूगल बताते हैं 10 में से हर 3 इंसान को मैदे से परहेज करना चाहिए, उन्हें मैदे से एलर्जी है, पेट साफ नहीं होता, स्किन पे रैशेस आते हैं। तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं ग्लूटेन फ्री, मैदा फ्री बेकरी खोलूंगा, मैं मैदे की जगह कोई और आटों का इस्तेमाल करूंगा लेकिन बनाऊंगा वही जिसकी जरूरत है। और जैसे ही वो अपनी ग्लूटेन फ्री बेकरी खोलता है तो गूगल पर जैसे ही वो अपना वेबसाइट डालता है तो गूगल जितने लोगों ने मैदे से होने वाली एलर्जी की दवा गूगल पर ढूंढी है या जितने लोगों ने ग्लूटेन फ्री पेस्ट्री और केक कभी गूगल पर ढूंढे हैं उन सबकी जानकारी गूगल लिए बैठा। तो आपके इस नई बेकरी की एडवर्टाइजमेंट ये सिर्फ उन लोगों को दिखाता है और जब वो लोग देखते हैं ये एडवर्टाइजमेंट तो समझ जाते हैं कि जो हमें चाहिए वो इनके पास है, आपका धंधा एकदम से चलने लगा। इस तरह से हम अपने व्यवसायों को भी अडेप्ट नहीं अगर करते तो मैं आपको एक आंकड़ा सुनाता हूं। पिछले 1.5 साल जब दुनिया की हर दुकान बंद थी, $11,633 पर सेकेंड अमेजन ने कमाई। मैंने पर सेकेंड कहा, आपने सुना नहीं, पर डे नहीं, पर आवर नहीं, पर घंटा नहीं, पर मिनट नहीं, पर सेकेंड $11,633 एक ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी ने कमाया। और हम यहां पर बैठकर अपनी बंद दुकानों पर कर्जे में मुब्तला हो। तो अगर जमाने की करवट के एतबार से हमने करवट नहीं ली तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि जो भी हमारे घर रोजी रोटी के साधन या जो भी डिग्री या जिस भी पढ़ाई की हम तैयारी कर रहे हैं वो संभाल। तो बहुत मेरा ये मन है कि आप ये बात जो है आपके इंसान तक पहुंचा दें कि पढ़ने का तरीका और व्यवसाय करने का तरीका बदलने का जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि ये आईएएस समीर सिद्दीकी जो है आईएएस कोच हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के आर्थिक राजधानी मुंबई के नागपुर में रहने का काम करते हैं और वहां से अपनी शिक्षा कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज ये अपने गृह जनपद बलिया पहुंचे हुए हैं अपने निजी काम से। और इनके बारे में भी बता दूं कि ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जो राष्ट्रीय चेयरमैन है यानी कि शब्बीर विद्रोही जी, उनके ये बड़े पुत्र। मन है कि आप ये बात जो है आपके इंसान तक पहुंचा दें कि पढ़ने का तरीका और व्यवसाय करने का तरीका बदलने का जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि ये आईएएस समीर सिद्दीकी जो है आईएएस कोच हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के आर्थिक राजधानी मुंबई के नागपुर में रहने का काम करते हैं और वहां से अपनी शिक्षा कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज ये अपने गृह जनपद बलिया पहुंचे हुए हैं अपने निजी काम से। और इनके बारे में भी बता दूं कि ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं यानी कि शब्बीर विद्रोही जी, उनके ये बड़े पुत्र भी हैं और अपने वाली साहब के साथ ये अपने गृह जनपद यानी कि अपने गांव यानी कि बोहरवा खुर्द बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र यानी बोहरवा खुर्द पहुंचे हैं।
तो हमारी न्यूज 9 भारत चैनल की टीम भी इनके निवास स्थान पर पहुंची और इनसे बातचीत करना चाहा, क्योंकि ये हमारे न्यूज हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि हमारे जिस चैनल से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।